अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम अजवा गोट फार्म, बोलो अजवा पोल्ट्री फार्म बोलूँ ये इसका, अजवा देसी मुर्गी फार्म, देसी मुर्गी फार्म। सुफियान भाई हमारे साथ में, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट लाए आप गुजरात की खास करके इंडस्ट्री में। जी जी। बाकी तो लेयर्स बॉयलर्स ये चलता था। जी जी। ये क्या चीज है तो समझाएं पहले। ये जो आसिम भाई ब्लैक ऑस्ट्रिच करके ब्रीड है, ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। ओके। अभी ये मैंने 1500 चिक्स डाले थे, वन डे ओल्ड चिक्स डाले थे 5 महीने पहले। कितनी मॉर्टेलिटी हुई उसमें से? इसके अंदर 225 बच्चे सिर्फ मरे हैं। ओके। अभी शुरू के अंदर कुछ फीड मैंने कुछ अलग बकरों का खिला दिया था, मेरे पास फीड खत्म हो गया था जी। उसमें मॉर्टेलिटी आ गई, वरना इतनी मजबूत ब्रीड है ये आसिम भाई जी। इसका तो पहले मैंने ये शुरू किया है लेयर फार्मिंग के लिए, देसी अंडों के लिए जी। ये सब मेल है जी। ये इसका रिकॉर्ड है 365 दिन में 364 अंडे देने का रिकॉर्ड है। और ये जो ब्रीड है ये फुल ठंडी के अंदर भी अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है, फुल गर्मी में रखना चाहे तो भी रख सकता है। बहुत अच्छी ब्रीड है ये, थोड़ा मैंने सैंपल के लिए भी शुरू किया है। ये बहुत बड़े लेवल पे करेंगे? हाँ, बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह इसका करने तो का इरादा है। लोग आपसे अगर किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं? अंडे से चिक्स लेना चाहे, वन डे ओल्ड चिक्स, तो चिक्स भी देंगे उसको हम। और अगर उसको यानी अंडे के अंदर इसमें दो क्वालिटी आती है आसिम भाई, एक अंडा जिससे बच्चा निकलता है और एक खाने वाला। तो खाने वाला चाहिए वो भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कराएंगे, और अगर बच्चे निकालने वाला चाहिए तो वो अंडे भी इंशाल्लाह हम देंगे। और किसी को बड़े मेल चाहिए फॉर मीट पर्पस, मीट पर्पस के लिए वो भी दे देंगे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप लोग भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना ताकि और मालूम पड़ जाए। ये सब मेल अंदर का भी एक बार दिखा दूँ, और ये मेल अलग रखने का रीज़न है, जब वन डे ओल्ड चिक लाते हैं अपन तो मेल फीमेल आधी आधी क्वांटिटी में रहते हैं। अब 500 फीमेल पे 100 मेल रखने पड़ेंगे अपने को। 750 मेरे पास फीमेल है जी, तो उसमें 120 मेल रखूंगा। और ये मेरे पास 450 मेल जो है फॉर सेल है, किसी को अगर शौक के लिए रखने हैं घर में या किसी को मीट के लिए चाहिए जी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और वेट गेनिंग कैसा है इनका? ये 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक के मुर्गे हैं इसमें। सही है। चलो ये फीमेल, ये मेल है, फीमेल का बाड़ा भी एक बार दिखा दे। फीमेल का बाड़ा भी देखें। अच्छा, इसके अंडे और इसके बच्चे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। 10-15 एडो ले तो। ऐसा भी हम लोग निकले मेल के बाड़े से भाई, ये दिन में सब फ्री रेंज में घूमती है आसिम भाई। सुबह में जो है 7-8 बजे हम बाड़ा खोलते हैं, तो खेत के अंदर हम जो लस्का है, फिर अपना धनिया बोलते हैं, खुद घूम फिर के आ जाते हैं। पालक की भाजी है, अभी जैसा धूप ज्यादा है तो अंदर, अभी अंदर अंडे देने का टाइम है, अभी अंदर चले गए, शाम को 3-4 बजे के बाद वापस बाहर निकलेगी। अपने आप निकलते इसमें कोई नहीं, ये अपने आप ही आती है, अपने आप ही जाती है। और मेल फीमेल अलग कैसे हो जाते हैं फिर? ये इसके अंदर जो है ना, रात में ऊपर चढ़ के फीमेल ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। हाँ। और मेल उसके नीचे बैठ जाती है। अच्छा, नहीं जैसे वो बारे में सिर्फ मेल है। हाँ, उसमें हमने पूरा बाउंड्री कर दिया। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा मेल होंगे तो उनको बाहर नहीं छोड़ते अभी, उसको शाम को छोड़ेंगे। अच्छा, अलग अलग टाइमिंग दे दिए, क्योंकि अगर साथ में छोड़ेंगे आसिम भाई जी तो वो इतने एग्रेसिव है मेल कि अभी बीच में मेरी 20 मुर्गियां मार दी थी उन्होंने। अच्छा अच्छा, इसमें भी आप देखोगे तो नर बच्चे ज़्यादा ही हैं, फीमेल्स भी बहुत अच्छी साइज़ में आ जाती है माशाल्लाह। कितना बड़ा बाड़ा है आप देखें एक बार। देखें आप, इसमें आती है अंडे देके निकल जाती है। हाँ। पूरा, और बाहर तो अंडे नहीं देती ना कोई गाड़े में? अंडे यहाँ पे ट्रे जो हमने रखी है जी, ये ट्रे के अंदर अंडे ऐसे आते हैं इनके। अंडे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाते हैं ना, एक सर्टन अमाउंट रहा तो हर एक बाड़े में आपको अंडे दिखेंगे। ये देखो ऊपर चढ़कर ही बैठती आती है, फीमेल ज़्यादा तो ऊपर बैठ जाती है। और ये प्योर जंगली ब्रीड है असिम। अच्छा, मतलब एकदम प्योर लाइन है, प्योर लाइन है ये। यानी लोग यूँ समझते हैं कि लेयर फार्मिंग में, लेकिन ये देख लो, ये एक्टिविटी देख लो मुर्गी की। बहुत अच्छे माशाल्लाह। किसी को एक काम या फार्म डालना है आगे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसमें कैसा है आसिम भाई, मैं सजेशन दूंगा कि जो छोटा मोटा अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं जी, कि भाई मंथली उसकी 20,000-25,000 की इनकम हो जाए, तो कोई अगर 250-300 बच्चे डालता है तो इंशाल्लाह महीने 15-20-25,000 रुपए कमा सकता है। सही, अंडे बेच के हो जाए, अंडे बेच के कमा सकता है। और इसके अंदर मेहनत भी नहीं आसिम भाई, सुबह में 1-1.5 घंटा दे दिया, शाम को 1-1.5 घंटा दे बस दिया, थोड़ी जगह हो, बस थोड़ी जगह हो हमारे पास, तो यानी करने वाले टेरेस के ऊपर भी कर रहे हैं जी। सही है, तो जिसको भी करना हो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, एक बार नंबर बोल दे आपका। नंबर मेरा 7874786888। ठीक है, किसी को सेटअप देखने आना तो आ भी सकता है। हाँ, आ सकता है, यहाँ पे रह सकता है, इंशाल्लाह मुर्गा भी खा के जा सकता है। सही, चलिए बहुत अच्छी बात कही और दावत भी दे दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रॉम अजवा देसी पोल्ट्री फार्म ना जी, इंशाल्लाह देखें आप लोग। साइज भी अच्छा आ रहा है अंडों का, माशाल्लाह बहुत उम्दा, बेहतरीन। आसिम भाई ये जो है काम जी शौक वाला आदमी कर सकता है, जिसको शौक हो जानवरों से, मतलब प्योर बिजनेस के हिसाब से। कोई आदमी ऐसा सोचे कि पैसा लगा कर अगर वो मेहनत नहीं करेगा जी, शौक नहीं होगा तो आदमी नुकसान करेगा। सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मज़ा आ गया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।